उत्तराखंड में विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष के विधायकों ने अलग अलग मुद्दे उठाए। हालांकि सदन की कार्यवाही के दौरान प्रश्नकाल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। प्रश्नकाल के दौरान डेंगू खेल और नए राशन कार्ड बनाए जाने जैसे कई अहम मुद्दे अहम प्रश्न रखे गए। सत्र के बाद सीएम धामी ने कहा, अतिक्रमण को लेकर कोर्ट के आदेश के अनुरूप जिलाधिकारी को निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने मंगलवार की रात वाहन चेकिंग के दौरान नेशनल हाईवे पर एक कार से 11 लाख रुपए से अधिक बरामद किए। कार चालक ने संतोषप्रद उत्तर न देने पर पुलिस ने राशि जब्त कर मामला आयकर विभाग को सौंप दिया है। लखनऊ के सरोजनी नगर में फुटबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कानपुर रोड स्थित जय जगत पार्क में सरोजनी नगर फुटबॉल चैंपियनशिप की शुरुआत कराई, जिसमें अंतरस्कूली प्रतियोगिता में 18 टीमें और क्लबों की प्रतियोगिता में 35 टीमें भाग ले रही हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कैदियों के लिए कई घोषणाएं की। उन्होंने राज्य की सभी जेलों में कैदियों के लिए टेलीमेडिसिन सुविधाएं शुरू करने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला कारागार भिवानी के नवनिर्मित विस्तार भवन का उद्घाटन किया। इसके अलावा कैदियों के लिए डाइट व्यवस्था बदलने के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की है। उत्तराखंड में कार्बेट नेशनल पार्क की भूमि में अवैध वन कटान मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों ने एक नक्सली स्मारक ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई थाना छोटे डोगर के अंतर्गत ग्राम किलम में की गई। इस कार्रवाई को डीआरजी बस्तर फाइटर जिला बल एवं आईटीबीपी के संयुक्त टीम ने अंजाम दिया। क्षेत्र में लगातार नक्सली विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। सिराली नगर परिषद क्षेत्रों के कुछ निवासी 3 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग भैरव चौकी, रामपुर, विक्रमपुर कला एवं नहार जंगल के रहने वाले हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सिराली के नगर परिषद का दर्जा मिलने से ये तमाम जगहों के 500 से अधिक परिवारों के पट्टे निरस्त कर दिए गए। जबलपुर पुलिस ने एक शातिर सट्टेबाज को पकड़ा है। आरोपी लग्जरी कार में घूम घूम कर ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिला रहा था। उमती थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच ने सट्टेबाज को सिविक सेंटर क्षेत्र से गिरफ्तार किया। उस वक्त वो कथित रूप से अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच चल रहे एशिया कप के मैच में मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा खिला रहा था। जगदलपुर विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने छात्रों से संवाद किया। उन्होंने युवोदय अकादमी के छात्रों का मार्गदर्शन किया। साथ ही नीट परीक्षा में सफल 8 विद्यार्थियों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी का कहना है कि कांग्रेस की सरकार को बेनकाब किया जाएगा। भूपेश सरकार ने केंद्र की योजनाओं को बदलकर अपना नाम दिया है, जिसकी वजह से प्रदेश की जनता को कोई फायदा नहीं हो रहा है। वहीं प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता का कहना है कि बीजेपी लगातार काम कर रही है, मोर्चा प्रकोष्ठ के साथ लगातार मिलकर कार्य किया जा रहा है। कानपुर के जाट में रक्षक पर राक्षस जैसे काम करने से मानवता शर्मसार करने वाले आरोप लगे हैं। साट थाने की महिला पुलिसकर्मी पर सोशल मीडिया के जरिए आरोप लगा है कि पीड़िता को आरोपी के सामने निर्वस्त किया गया। वहीं शहर दक्षिण की एडीसी का कहना है कि जांच में ये तथ्य बेबुनियाद पाए गए हैं। सांची में सीएम शिवराज ने सोलर सिटी का लोकार्पण किया। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत के तहत इसकी सौगात दी जा रही है। सीएम ने कहा कि इस समय सांची शहर को 2 मेगावाट बिजली की जरूरत है। सोलर सिस्टम के जरिए 3 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। छतरपुर पुलिस अधीक्षक ने बड़ा मलहरा अनुभाग के थाने का निरीक्षण किया। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक अमित सांगी ने बमनौरा थाने से लगी उत्तर प्रदेश की सीमा पर धसान नदी पर पुलिस तैनात करने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण में वारंट की तामीली एवं लंबित अपराधों को लेकर भी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है।
बुरहानपुर में किसानों ने सरकार के खिलाफ वाहन रैली निकाली और मतदान का बहिष्कार करने की चेतावनी दी। साथ ही सरकार के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, कांग्रेस ने भी किसानों की रैली का समर्थन करते हुए पूरी रैली में आंदोलन किया। दरअसल किसानों को केले की फसल के लिए अब तक बीमा नहीं मिला है। छिंदवाड़ा में पंडित प्रदीप मिश्रा ने मंच से पूर्व सीएम कमलनाथ के विकास कार्यों की तारीफ की। प्रदीप मिश्रा ने कहा कि पहले छिंदवाड़ा का इतना विकास नहीं हुआ था, लोग छिंदवाड़ा को नहीं जानते थे, लेकिन पूर्व सीएम कमलनाथ ने छिंदवाड़ा को आकृति दी है। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश, जहां पंडित मिश्रा ने कमलनाथ की तारीफ की। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। पार्टी की पांचवी जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत खंडवा से हुई, जिसे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में सीएम शिवराज, वीडी शर्मा समेत पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारियां तेज कर दी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का कहना है कि आपराधिक छवि के उम्मीदवारों को नामांकन फॉर्म में सारी जानकारी देनी होगी। कैंडिडेट की पूरी जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। प्रदेश की 230 विधानसभा क्षेत्रों में असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस युवाओं के लिए नियुक्त किए गए हैं। बरेली तहसील परिसर के सामने पटवारियों ने धरना प्रदर्शन किया। पटवारी अपनी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। पटवारियों का कहना है कि पदोन्नति, महंगाई भत्ते समेत कई मांग जिनको लेकर आवाज उठाई जा रही है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिससे पटवारियों में काफी आक्रोश है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। बुलढाणा में मलकापुर तहसील के पशु चिकित्सालय में चिकित्सकों की कमी के साथ ही इलाज के लिए लगने वाले जरूरी उपकरणों का भी अभाव है। वर्तमान स्थिति में इसे पशु चिकित्सालय का सारा भार एक ही डॉक्टर पर आ गया है। सहायक पशुपालन आयुक्त का पद खाली होने से अस्पताल में अव्यवस्थाएं हो रही हैं। सीहोर विधानसभा से चार बार के पूर्व विधायक कद्दावर कांग्रेस नेता रमेश सक्सेना के पुत्र वार्ड क्रमांक एक से जिला पंचायत सदस्य शशांक सक्सेना सीहोर विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं और कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य शशांक सक्सेना ने ताल ठोकते हुए किसानों के समर्थन में कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। राजनांदगांव पुलिस को दो अलग अलग मामलों में बड़ी कामयाबी हाथ लगी। राजनांदगांव पुलिस ने लगभग 14,80,000 रुपए नगद जब्त किए, जहां एक और सिटी कोतवाली पुलिस ने बस स्टैंड के पास चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति से लगभग 8,50,000 रुपए नगद जब्त किए, तो वहीं दूसरी ओर सोमानी पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान लगभग 6,20,000 रुपए नगद जब्त किए। शाजापुर में भारतीय प्रतिरक्षा संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य योगेंद्र सिंह चौहान शाजापुर पहुंचे, जहां उन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारियों से पुरानी पेंशन योजना को लेकर चर्चा की। चौहान ने केंद्रीय कर्मचारियों से 22 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाले विशाल प्रदर्शन में पहुंचने की अपील की। सिवनी जिले की घनसौर जनपद पंचायत में पिछले 16 दिनों से चल रही जनपद सदस्यों की हड़ताल मंगलवार को खत्म हो गई। जनपद सदस्यों से मिलने जिला पंचायत सीईओ नवजीवन विजय पवार देर शाम धरनास्थल पर पहुंचे थे, जिनसे चर्चा के बाद जनपद सदस्यों ने हड़ताल खत्म करने का निर्णय लिया। जनपद सदस्यों की यह हड़ताल 16 दिन चली। टीकमगढ़ जिला अस्पताल में महिला वार्ड में पलंग खाली करने को लेकर मरीज के परिजन एवं महिला सुरक्षा गार्ड के बीच कहासुनी हो गई और फिर बात हाथापाई पर आ गई। आपको बता दें, महिला सुरक्षा गार्ड द्वारा कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जनपद उधम सिंह नगर में खटीमा, असलाम नगर, गोटिया के जिम्मेदार लोगों और जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे अवैध नशे के कारोबार पर तत्काल अंकुश लगाने के लिए बुधवार को मदरसा गौसिया के प्रबंधक मौलाना इरफानुल हक के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट को एक ज्ञापन सौंपा। इस्लाम नगर वार्ड नंबर 1 से लेकर 7 तक वार्ड नंबर 15 स्मैक और अमेठी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कुल 14 मांगे रखी। सपा कार्यकर्ताओं ने जिले के विभिन्न मुद्दों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें बिजली कटौती, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था से लेकर तमाम मुद्दे शामिल रहे।
अमेठी में ध्वस्त हो चुकी विद्युत व्यवस्था से नाराज महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। सैकड़ों महिलाओं ने अधीक्षक अभियंता कार्यालय पर जाकर किसान नेता रीता सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। विभाग पर अघोषित विद्युत कटौती करने का आरोप है, जिस पर किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है। साथ ही ये भी शिकायत की जा रही है कि उपभोक्ताओं का जो बिजली बिल है। छुरिया में खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पिनकापार में कोसरिया यादव समाज सर्किल पोटे कोहरा में शोभा यात्रा निकाली गई। जन्माष्टमी के उपलक्ष में 43 गांव के यदुवंशियों ने भगवान श्री कृष्ण का भव्य उत्सव मनाया और शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में श्री जगजीत सिंह भटिया पूर्व मंत्री कार्यकर्ता शामिल रहे। जिले के इमामगंज में घर पर चढ़कर हमले में 8 लोग जख्मी हो गए, इसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंगलवार रात इमामगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत जिकतिया करमोन में गैर समुदाय के लोगों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि सक्रिय गैंगस्टर सुप्रीमो रोशन कुमार और उसके मुख्य सहयोगी ने योजना बनाकर हमला किया था। हमले में अज्ञात बाइक सवार शामिल थे। मोदीनगर के थाना भोजपुर पुलिस ने तार चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपए की चोरी का माल बरामद किया। पुलिस ने तार चोरी की घटना में प्रयोग होने वाले उपकरण बरामद किए। गैंग के सरगना के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। गोंडा में बिसोही नदी पर लापता युवक का शव पाया गया। शव की पहचान के लिए परिवार के लोगों को बुलाया गया। मृतक का नाम दुर्गेश कुमार बताया जा रहा है, जिसको लेकर परिवार वालों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गोंडा पुलिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी जारी किया था, जिसमें परिवार के लोगों ने हत्या की आशंका जताई। हरदोई जनपद में उगाई जाने वाली फसलों का रियल टाइम सर्वेक्षण किया जा रहा है। एग्री स्टैक परियोजना के अंतर्गत जियो रेफरेंस आधारित फसल की फोटो के साथ डिजिटल क्रॉप सर्वे कार्यक्रम इसी साल के खरीफ की फसलों में किया जा रहा है। काम की मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई थी। इसी क्रम में जिलाधिकारी ने विकास सुरक्षा के काम मलिया में सर्वे किया। जबलपुर के पनागर विधानसभा से आम आदमी पार्टी ने पंकज पाठक के नेतृत्व में चुनाव को लेकर हुंकार भरते हुए महारैली का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में हाथों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रैली में शामिल हुए। दिल्ली से आए विधायक रजनीश दहिया भी महारैली में शामिल हुए। केजरीवाल के जारी किए गए घोषणा पत्र में किए गए वादों का जोर शोर से प्रचार किया। जबलपुर के लाटगंज थाना क्षेत्र के सर्वोदय नगर उजारपुरवा निवासी युवक की कुएं में लाश मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने बताया कि सर्वोदय नगर निवासी भीमराव अपने घर से किसी काम से बाहर गया था, जहां शाम तक वो अपने घर वापस नहीं आया, जहां परिजनों के द्वारा थाने में पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। जबलपुर के व्हीकल फैक्ट्री के एक और एमपी टूरिज्म के द्वारा मोटर स्पोर्ट्स का आयोजन किया जा रहा है, जिससे 24 सितंबर तक मोटर स्पोर्ट्स कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहां मोटर स्पोर्ट का संचालन व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर के द्वारा किया जाएगा। मोटर स्पोर्ट्स के दोनों डोमेन प्रतिस्पर्धा कार रैली और ऑटो क्रॉस का आयोजन किया जाएगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। खाई में गिरी बस पर सवार एक महिला यात्री की मौत हो गई। तकरीबन 20 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, जिन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया। बस लखनऊ से आगरा जा रही थी, जिस दौरान सौरिक थाना क्षेत्र के 148 कट के पास हादसा हुआ। कन्नौज में कांग्रेस नेता विवेक नारायण मिश्रा ने पालिका अध्यक्ष हाजी रहीस अहमद के बेटे हरीम पर गंभीर आरोप लगाया। विवेक नारायण ने आरोप लगाया कि उनके बेटे को 22 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया, साथ ही झूठा मुकदमा दर्ज कर छवि खराब करने का आरोप लगाया है। मामला व्यापारिक लेनदेन का बताया जा रहा है। कुछ 10 करोड़ से ज्यादा का हिसाब है, जिसको लेकर विवाद हो रहा था। कन्नौज में सफाई कर्मी ऑनलाइन हाजिरी का विरोध कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में सफाई कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया। पंचायती राज सफाई कर्मी ग्राम पंचायत सेवक संघ के बैनर तले प्रदर्शन हुआ। सफाई कर्मियों का कहना है कि गांव में 60% कर्मी पढ़े लिखे नहीं है, उससे ऑनलाइन हाजिरी नहीं लग पाएगी। सफाई कर्मी ऑनलाइन हाजिरी का आदेश वापस लेने की मांग कर रहे हैं। कानपुर जिला कारागार में बंद एक कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। कारागार से कैदी को मृत अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया। आरोप है कि जेल के सिपाही उसको अस्पताल में लावारिस छोड़कर चले गए। बाद में सूचना मिलने पर कैदी का परिवार अस्पताल पहुंचा। परिवार का आरोप है कि जेल के अंदर उससे पैसे मांगे गए, नहीं देने पर मारपीट की गई, जिससे उसकी मौत हो गई।
कानपुर में बादशाही नाका पुलिस की टीम ने गुमशुदा महिला को खोज निकाला। परिवार वालों ने महिला के गुम होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। शिकायत मिलने के 7 घंटे बाद महिला को पुलिस ने खोज निकाला। कानपुर की फजलगंज पुलिस ने 12 घंटे के अंदर बालाजी वेल्डिंग हाउस की चोरी के मामले में खुलासा करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। शातिर चोरों ने सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिया। हालांकि एक कैमरे पर चारों की नजर नहीं गई। 12 घंटे में प्रतापगंज गडरियान कुरवा में बालाजी वेल्डिंग हाउस की चोरी में शामिल 3 चोरों को पकड़ लिया गया। कसरावत तहसील क्षेत्र के मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सतराटी गांव के पास हादसा हुआ। कृषि विस्तार प्रशिक्षण केंद्र के सामने एक कार पलट गई। बुधवार को करीब 1 बजे बड़वानी से इंदौर की ओर जा रही हुंडई कार का अचानक से पिछला टायर निकल गया और कार नेशनल हाईवे पर लगी जाली से टकराते हुए रोड के बीचों बीच पलट गई। कार में सिर्फ ड्राइवर था। भारतीय कायस्थ महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रसेन श्रीवास्तव ने लखनऊ में केंद्रीय मंत्री के घर पर हुई हत्या को लेकर सवाल उठाया। कौशल किशोर के घर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सीएम ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। सीएम से निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। मामले में लोगों का यह भी कहना है कि उन्हें पुलिस पर विश्वास नहीं, जो गिरफ्तार हुए हैं वो भी काफी नहीं है। लखनऊ में नगर निगम जोन 8 के नगर निगम इंस्पेक्टर सुमित मिश्रा और नगर निगम कर्मचारियों पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। अनुसूचित जाति के लोग नगर निगम के कर्मियों से परेशान हैं। महिलाओं का आरोप है कि सफाई कर्मी गंदे इशारे करते हैं, झोपड़ी के सामने शराब पीने से मना करने पर गाली गलौज करते हैं। महिलाओं ने स्थानीय विधायक राजेश्वर सिंह से मामले की शिकायत की। मघौली के ग्राम पंचायत खबरा अटौली में पेट्रोल पंप के पास जय भवानी वेयर हाउस के सामने हादसा हो गया। कटाव से मझौली की तरफ आ रहे भैंसों से भरा ट्रक तेज रफ्तार से अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। ट्रक में भरे कुल 7 भैंसों की घटनास्थल पर दर्दनाक मौत हो गई। मेरठ में एनसीसी निदेशालय लखनऊ से आए मेजर जनरल विक्रम कुमार, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ने 70 बटालियन एनसीसी कैंप का निरीक्षण किया। ग्रुप कमांडर मेरठ ब्रिगेडियर संदीप त्यागी और कैंप कमांडर कर्नल मनु कुमार ने उनका स्वागत किया। उन्हें एनसीसी कैडेट्स द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उन्होंने कैंप में आए हुए सभी अधिकारियों से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद की गलशाहिर थाना इलाके की रहने वाली भाजपा नेता अजीम कुरैशी को कांवड़ यात्रियों की सेवा करना इतना ज्यादा महंगा पड़ गया। कुछ लोगों ने घर में जाकर अजीम कुरैशी से माफी तक मंगवा डाली। अजीम कुरैशी के माफी मांगने के बावजूद भी मुरादाबाद जनपद में सोशल मीडिया पर कट्टरपंथियों ने अजीम कुरैशी के बायकॉट करने की ऑडियो तेजी से वायरल किया। मुरादाबाद में कुंदरकी इलाके के गांव बाकीपुर जटनी में अज्ञात युवती का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। ग्रामीणों का मानना है कि रेप के बाद हत्या कर शव को फेंका गया। युवती का शव जंगल में पाया गया, जहां उसकी गर्दन में चोट के निशान हैं, हाथ पर आरएस लिखा हुआ है। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पुलिस को भेज दिया है। रायगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 14 सितंबर को रायगढ़ आगमन की सूचना के बाद प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। जिला प्रशासन के आला अधिकारी और बीजेपी नेता अरुण साव सहित तमाम बीजेपी नेता सभास्थल का मुआयना करने पहुंचे, जहां पीएम मोदी पहुंच रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के पहली वर्षगांठ पर कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में अलग अलग जिलों में हर एक ब्लॉक में यात्रा निकालने वाली है। यह यात्रा 11 से 2 बजे तक चलने वाली है। यात्रा का अंतिम छोर जिला कांग्रेस कार्यालय होने वाला है। ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन भी कांग्रेस पार्टी करेगी। राष्ट्रव्यापी जिला स्तरीय भारत जोड़ो पदयात्रा और भारत जोड़ो सम्मेलन को सार्वजनिक सभा के रूप में पदयात्रा की जाएगी।